मंडियों में सरकार द्वारा किए गए इंतजाम के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ना तो मंडियों से गेहूं उठ रहा है और ना ही बारदाने का इंतजाम हो रहा है। इसके चलते किसानों और आढ़तियों दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीएफएससी निशांत राठी ने बताया कि शनिवार और रविवार को उठान का कार्य करवाने के लिए खरीद कार्यों को दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी टीम द्वारा जब करनाल अनाज मंडी का दौरा किया गया तो किसानों ने बताया कि उन्हें पहले इस तरह की कोई सूचना नहीं दी गई थी कि शनिवार व रविवार को गेहूं की खरीद नहीं होगी, जिससे वह परेशान होकर अब वो यहीं पर रुकने को मजबूर है। किसानों ने कहा कि एक तो ऊपर से बारिश होने के आसार बन रहे हैं और वह अपनी अनाज मंडी में खुली ट्रैक्टर ट्राली में लिए हुए खड़े हुए हैं गेहूं, जिससे अनाज खराब होने का भय बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि वह खरीद का कार्य सुचारू रूप से शुरू करवाए, जिससे किसानों को परेशानी ना उठानी पड़े। वहीं मंडियों में उठान का कार्य धीमी गति से होने पर व्यापारियों में भी गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि मंडियों में बारदाना भी मुहैया नहीं करवाया जा रहा, जिससे खरीद के कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि करनाल की अनाज मंडी में शनिवार व रविवार को गेहूं की खरीद ना करने के आदेश के बाद किसानों को इसकी जानकारी ना होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों द्वारा प्रशासन से अनुरोध किया जा रहा है कि वह खरीद का कार्य शनिवार व रविवार को भी जारी रखे, क्योंकि गेहूं में आगजनी और बारिश आदि का डर बना रहता है, इसीलिए किसान अपनी फसल ज्यादा देर तक अपने खेत में नहीं रख सकते। तो आपको पता नहीं था शनि और इतवार प्रशासन ने मना कर? कोई पता नहीं था, पता हूं हम आंदे क्यों आज है। अच्छा। हम क्या लेना आंदे आज? तो अब जिस हिसाब से मौसम खराब हो रहा है उस हिसाब से क्या व्यवस्था की? अब क्या करें बताओ, तो बारिश आ गया अनाज गिला हो जाएगा, अनाज भीग जाएगा सारा। तो कोई तिरपाल वगैरह का इंतजाम किया है? कहाँ किया, वहाँ से सवेरे चल दिए भाई, जाँधे तुल जाएगी वहाँ उतरेगी, ये तो पता तो नहीं था ना। तो परेशानी हो रही है और क्या करें? तो क्या करेंगे आप? अब क्या करें, कोई उपाय नहीं हमारे पास। तो मौसम भी खराब हो रहा है? मौसम ऊपर से खराब हो रहा है। क्या नाम है आपका? प्रताप। कहाँ से आए थे? काछुए से। कितों आए हो? सलारू तो। तो अज तुम पता नहीं शनि इतवार प्रशासन ने बंद की थी एंट्री? नहीं पता। नहीं पता तो हम परेशानी हो रही है तुम्हें? तो बारिश का मौसम है, कि इंतजाम कुछ है तेरे को? कोई इंतजाम नहीं है। तो की अपील करोगे प्रशासन को? साड़ी भी जल्दी जल्दी फसल लिखे। तो तुम नहीं पता से बीच शनि इतवार बंद से? नहीं पता। की नाम है तुम्हारा? जगतार सिंह। तब क्या समस्या हो रही है आप? समस्या में सवेरे से खदेड़ियाँ आज ही गेट पास अंदर है मंडी, अंदर एंट्री नहीं हो रही मंडी के अंदर, और अब ऊपर से मौसम खराब हो रहा। अब ये फसल लेके कहाँ जाए हम? प्रशासन से यही अपील है कि जल्दी करवाया जाए, या हमारे को नॉलेज में दी जाता, कोई न्यूज़पेपर में हटाई दी जाती, समाचार होता, कुछ भी होता कि भाई इसको फसल को दो तीन दिन से आप मंडी में ना लेके आए, कोई नहीं मंडी में फसल नहीं तो लेगी, कुछ तो समस्या होती है। अब यहाँ मंडी में खड़े हैं कम से कम 200 ट्राली खड़ी हैं, अब ये फार्मर कहाँ जाएंगे लेके इस फसल को? अगर बारिश होगी तो वैसे ख़राब हो जाएगी, खेत में रखेंगे आग लग जाएगी, अब इसका क्या सोल्यूशन होएगा, क्या होएगा इसका? तो प्रशासन ने तो पहले ही मैसेज दे दिया था दो दिन के लिए मंडी में। फार्मर को क्या पता, फार्मर अखबार पढ़ेगा या न्यूज़पेपर देखेगा जी, क्या क्या करेगा, या टीवी देखेगा उसके अंदर भाई क्या कर रहे? तो बारिश का भी मौसम हो रहा है? बारिश का मौसम हो रहा है, कोई साथ नहीं, तिरपाल नहीं है, कुछ नहीं है जी, खराब होगी फसल। क्या नाम है आपका? संजीव है जी, कुटेल से। प्रशासन से अपील है कि जी जो मंडी के गेट पर ट्रालियाँ खड़ी है, यत्न की तिरपाल डगी जाए, इनके ऊपर खड़े रहेंगे हम तो दो दिन खड़े रखे, या फिर इसको उतराया जाए। अब यह पहले सूचना दी जाती, यारती हो तो सूचना देते भाई दो दिन ना लेके आओ नहीं फसल, ये न्यूज़ पेपर के अंदर देते, कर्नाल का न्यूज़ पेपर है उसके अंदर देते भाई फसल ना लेके आए। तो सभी को समस्या होगी? समस्या सबको, सब लाल में खड़े देखो तो लड़काली खड़ी।
ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।